ये हमारा बॉल है, ठीक है, ये हमारा बॉल इधर लगा और ये हमारा बॉल इधर आ गया, यानी कि और ये परफेक्ट कैनन हो गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्यू स्नूकर। और बहुत इंटरेस्टिंग आज की प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस में बेसिकली ये है कि हम व्हाइट बॉल को स्क्रू, तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं स्क्रू के ऊपर, लेकिन स्क्रू को हमने कंट्रोल कैसे करना है, जज कैसे करना है, ये प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से वो ब्रेक बिल्डिंग नहीं बना सकता। उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि मैं कैसे इसको हिट करूंगा, कहाँ हिट करूंगा, कैसे होगा, तो ये बॉल मेरा किस तरीके से कहाँ पर जाएगा, ये मनूवर कैसे होगा, इधर उधर किस तरह हम लेके जाएंगे। तो आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगे हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, वन टू वन कोचिंग के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पूरी दुनिया से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनकर अपनी एक टेबल की अकेडमी बनाएं या एग्जिस्टिंग क्लब में अपने आप को एज ए कोच के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएं, कोचिंग करें अच्छे तरीके से, प्लेयर्स को इनहेंस करें, रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, नंबर्स मौजूद हैं, और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने ये तो सीख लिया कि हमने स्क्रू शॉट कैसे करते हैं। फर्ज करें ये मैंने, आपने देखा कि 3 से 5 बॉल्स मैंने रखे हैं, सारों को शायद मैं ना ट्राई करूं। अब ये बॉल मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया, ठीक है, अपने हाथ से मैंने रख दिया, आपने भी ऐसे ही रखना है, उसी तरह 4-5 बॉल्स रख लें यहाँ पर आप। चलें इसको थोड़ा सा और हम दूर कर देते हैं, ये लें थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, 1-2-3 बॉल्स के डिस्टेंस से, ठीक है। और आप इसको अब क्या करेंगे, हमने जब नॉर्मल स्क्रू करना है तो हम बिल्कुल सीधा बॉल रख के खेलेंगे, तो हमारे पास कौन सी पोजीशन आ रही है, हमारे पास ये हमारा बॉल है, ठीक है, ये हमारा बॉल इधर लगा और ये हमारा बॉल इधर आ गया, यानी कि एक बड़ा सिंपल सा शॉट आपको समझ आ गया कि स्ट्रेट स्क्रू का ये है। अब फर्ज करें कि मैं आपको, आपने अपने आप को बेसिकली ये इम्तिहान देना है, ये टेस्ट देना है अपने आप कि आप व्हाइट बॉल को कहां रखेंगे और परफेक्ट स्क्रू करेंगे कि वो येलो को आके लगे। ये बड़ी मजे की प्रैक्टिस है, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे और करने वाले। तो अब आपने क्या करना है, आपने जज करना है। अब हो सकता है कि पहली दफा में आप गलत हो जाएं, आपका बॉल ग्रीन को लग जाए, आगे चला जाए, तो इसको ही आपने एक्यूरेट करना है। जो प्लेयर इन चीजों को समझता जाएगा, इसमें 2-3 चीजें होंगी, स्क्रू तो इंप्रूव हो ही रहा होगा, लेकिन आपको व्हाइट बॉल की लाइन समझ आ रही होगी, आपको फ्यूचर में ये पता लगेगा कि मेरा वाइट इधर है तो कैसे होता है, इधर होगा तो वाइट बॉल कहाँ जाएगा। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा 2-3 शॉट्स खेलते हैं। चले सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि येलो, मेरा गैस भी गलत हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से स्क्रू करूँ, होपफुली मुझे लग रहा है कि ये येलो पे कैनन होगा स्क्रू होके, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा। तो ये इसमें साइड में कोई नहीं दूंगा, जब साइड दूंगा तो आपको मैं बताऊंगा। So let's start my first shot. ये देखें बिल्कुल यहां पर आके बॉल लगा, इसका मतलब है कि थोड़ी सी गुंजाइश है थी उसमें कि मैं अपना बॉल मैंने यहां रखा था तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, बस इतना सा, एक रोल भी पूरा नहीं हुआ बल्कि थोड़ा सा हमने कर दिया, और सेम शॉट हम फिर खेलने लगे, ठीक है। कोशिश करते हैं इस बार ये कैनन हो जाए। और ये परफेक्ट कैनन हो गया हमारा, गुड शॉट, ठीक है, टारगेट अचीव्ड। अब हम नेक्स्ट रेड रखते हैं। बड़ी मजे की प्रैक्टिस है, आप कहेंगे यार वाकई सर ने बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस बताई है। अच्छा जी, अब हम यहां पर आएंगे इस बॉल के लिए, मैं समझता हूँ यहां से हो जाना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हम इधर कर सकते हैं इसको, बस लेट्स ट्राई। ओके, तो वहीं पर तकरीबन लगा, एक और शॉट खेलेंगे, कीप डूइंग इट, यही मजा है इसका कि आपकी जजमेंट्स जो है वो आपकी डिसाइड हो, आपको पता लगे कि आपने कहां खेलना है एक्चुअली, ठीक है। दैट्स इट, इस पे टच हो गया, यहां लगा है, सो इसको भी टच हो गया, सो इट मींस के ओके है, मैं इसको ओके कर दूंगा क्योंकि पहले इसको टच हुआ है फिर उसको हुआ है। सो हम अगले बॉल पे चलते, उसका मतलब है कि एंगल्स हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, मजीद में नीचे जाता जा रहा हूं यहां तक लाने के लिए। अब ब्राउन पे आते हैं, ठीक है, अब ये मुझे लगता है ब्राउन से ज्यादा आगे निकल आएगा, बट लेट्स ट्राई, ये यहां से ब्राउन तक आना चाहिए इसे, चले
ठीक है दैट्स इट। मैं डायरेक्ट लगना चाह रहा था लेकिन चले यहां से लग गया। 100% कभी भी नहीं होती स्नूकर, ये बात याद रखिएगा। छोटी सी चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है विद योर एक्सपीरियंस के। अगर वो हर दफा आप कहें जी मेरा हर दफा बॉल इधर आएगा, नहीं आएगा, दुनिया में कोई भी प्लेयर नहीं ला सकता। सो मेक श्योर करें कि आप इसको समझते जाए इन पॉइंट्स को, टेबल को भी साथ साथ। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम ब्लू के लिए और होपफुली यहां से हम इसको ब्लू के साथ कैनन कर सकते हैं। गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। अब देखें ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बताता हूं क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल। 1100 वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आप उनसे फायदा नहीं उठा रहे तो ये अब आपकी सुस्ती है, मैं समझता हूँ। काइंडली शेयर जरूर किया करें। अब ये बड़े मजे का चैलेंज है, ये आप दोस्त आपस में भी खेल सकते हैं। चलो यार एक ही स्नूकर का चैलेंज हम करते हैं इसको कंप्लीट, आप करें इसको, वीडियो भेजें मुझे, मैं इसको अपलोड करूंगा, शेयर करेंगे लोगों के साथ। स्नूकर इज ए फन, जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करते तो तब तक मजा नहीं आता। ठीक है जी, अब मुझे लग रहा है कि यहां से हम पिंक को कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। परफेक्ट। सो ये पॉइंट समझना, ये शॉट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन समझना कि व्हाइट कहां होगा तो स्क्रू करूंगा तो कहां जाएगा, व्हाइट किधर से किधर। हम अननेचुरल शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी ये मेरे पास व्हाइट है, ये रेड है, ये व्हाइट है और मैं इसको किसी तरह यहां ले आऊं। पॉसिबल नहीं है ना, आपने नेचुरल चीज को सोचना है कि यार ये एंगल बन ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि वाकई यार ये हमने प्रैक्टिस की थी, इधर तो नहीं आएगा। यही फर्क है एक अच्छे प्लेयर में और एक जीरो प्लेयर में या बेसिक प्लेयर में, उसको आइडिया नहीं होता। जो सीनियर प्लेयर होता है उसको पता होता है कि यार यहां से मैं यहां आ सकता हूं, अगर मैं यहां आऊंगा तो यहां से सिर्फ मैं यहां आऊंगा। सो वाइड बॉल को कोशिश करें, स्टडी करना शुरू करें, शॉट्स के रिएक्शन को समझें। अगेन बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखें मेरी, प्लेलिस्ट पूरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है बेसिक्स के ऊपर, वो चेक करें और अपनी क्यूइंग को ठीक करें, स्क्रू शॉट को ठीक करें, स्टन को ठीक करें। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन करें और अपनी वीडियो के एनालिसिस मुझसे करवाएं, जिसके ऊपर मैं आपके एनालिसिस करके आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया। सो गुड लक जी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह।